फिलहाल आप लोगों का अगर कोई लेक्चर ऐसा मिस हुआ नहीं क्योंकि हॉलीडे हो गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम के उपलक्ष्य में, अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा रहा उसमें कोई दिक्कत किसी को? डाइवर्सिटी है, भेदभाव है, पूर्वग्रह में किसी ने किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो बताएं? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। एनसीईआरटी लाए, कितने लोग लाए एनसीईआरटी? चलो कोई बात नहीं, जो लोग एनसीईआरटी लाए, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाए, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं? नाश्ता नहीं किया इससे पहले, लेक्चर भी नहीं था सर। है भारत में विविधता है? कौन कौन से अनुच्छेद जो है विविधता को दर्शाते हैं? ग्रुप बी, कौन कौन से अनुच्छेद? तीन अनुच्छेद मैंने लिखवाए थे आपको, 14, 18। आप बोल रहा हूँ, एक जना कोई बोल तो सुन लेते हैं, बताइए। 14 दूसरा 51 के अंदर इतने और सेक्शन आप लोगों को एक आर्टिकल बताया था, कौन सा था? 51 वेरी गुड, 51 ए। चलो भैया तीनों तालियां बजा ले जाए। चलो आ जाते हैं मेन इंप्रूवमेंट पे। देखो 2014 में यूपीएससी प्रीलिम्स ने डायरेक्ट आर्टिकल 51 से क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 51 जो कि शांति एवं सुरक्षा दर्शाता है एवं अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व की बात करता है। जी जी बताएं, एडमिशन एडमिशन उधर रहते हैं। अच्छा हो गया हो गया, तो फिर ये क्लास दूसरी पर्पस की है, बच्चों की नहीं है। तो यूपीएससी 2014 के अंदर डायरेक्ट अनुच्छेद 51 से आया है। ठीक है, और आज जो हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे यानी कि स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे, वो भी यूपीएससी के सिलेबस में अलग से मेंशन है और वो यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है क्योंकि यूपीएससी को बड़ी उत्सुकता रहती है स्थानीय विकास एवं स्थानीय सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, अब देखो क्लास 6 की हिस्ट्री की किताब में हमने सबसे पहले पढ़ी विविधता यानी कि अंग्रेजी वालों डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर स्विच किया तो विविधता तो थी ही, लेकिन हमें भेदभाव भी बताया गया कि जो तमाम अलग अलग तरीके के लोग हमारे साथ रहते हैं देखते हैं उनके साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज आपने पढ़ी सरकार, और सरकार का तीसरा पार्ट था कि ये दोनों काम जो है वो सरकार के हाथ में है कि भेदभाव नागरिकों के साथ या अन्य लोगों के साथ होने से रोकना। फिर हमने ये जाना कि सरकार क्या होती है, और उसके बाद पार्ट 4 जो है उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यानी इम्पोर्टेंट असेंशियल होता है भागीदारी, पार्टी सिपेशन। कभी आपसे इंटरव्यू में या कभी भी कहीं कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सरकार का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तब आप कहेंगे सरकार का यही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर भागीदारी करवाना। और ये कौन सी सरकार का उद्देश्य होता है? डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक का, मोनार्ची में मत लिख देना। मेंस में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित वो मिलेगा कि मोनार्ची यानी राजशाही एवं लोकतांत्रिक सरकार में भिन्नता बताएं, वह इन दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार भागीदारी की बात करती है। तो मेरी समझ से आप ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए आज आगे बढ़ते हैं, सरकार को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, और आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी आपकी ओवर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 3 लेक्चर लगेंगे एनसीईआरटी में, और उसके बाद में इसमें प्री में या मेंस में कौन सा क्वेश्चन आया है ये भी आपको साथ में बताता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। चलो भैया इकाई 3 और पार्ट उसमें आ जाता है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि स्थानीय सरकार का शासन। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो है भिन्नता कितनी बढ़िया बनाते हैं पार्ट में, इन्होंने ये दिखाया है आप
जो ग्रामीण परिवेश के पहले ये बताइए जो ग्रामीण यानी कि ग्राम से आते हैं, बस इतने बच्चे गांव से आते हैं, गांव से आए भी और वही चलो शहर से कितने बच्चे आते हैं। अच्छा जो ग्रामीण बच्चे हैं वो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रधान जानते क्या होता है? वार्ड सदस्य। प्रधान के चुनाव प्रधान क्या क्या काम कर सकता है, कितना रुपया लेता है कितने काम का, जैसा काम वैसा प्रश्न। अब ठीक है, जब बात ग्राम की सरकार की होगी तो शहर वाले बहुत अटेंटिव हो जाएंगे क्योंकि हो सकता है उनको इतनी अच्छी जानकारी ना हो, और जब गांव वाला जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा तो शहर वाले थोड़े अटेंटिव हो जाएंगे। हालांकि संभवतः आप लोग दोनों जानते होंगे लेकिन समझाना मेरा काम। ठीक है, अब सरकार की बात करें, ये जो पार्ट है इसमें एक दृश्य दर्शाया गया है कि एक जगह हो रही है ग्राम सभा, और ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि गांव के अंदर जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है वे सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और गांव के विकास की यानी कि डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, सुग्राम सभा होते हैं। इसमें ये दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ पर कई लोग मौजूद होते हैं, जैसे वार्ड के सदस्य मौजूद होते हैं, प्रधान मौजूद होते हैं, एक सचिव सेक्रेटरी मौजूद होता है और गाँव के तमाम लोग प्रेजेंट होते हैं। स्टोरी बताई गई कि वहाँ पर चर्चा चल रही थी कि गाँव में जो है वो पानी का वाटर स्तर जो है ठीक है वो काफ़ी कम हो गया है, गाँव में पानी का अभाव हो गया, तो ये लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि इस पानी की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जाए। तो इनमें से कोई बताता है ऐसा कर दो, कोई कहता है ओवरहेड टैंक बना दो। ओवरहेड टैंक का मतलब होता है कि जो शहर में आप टंकी देखते हैं बड़ी सी टंकी लगी हुई होती है ठीक है उसको ओवरहेड टैंक कहते हैं। कोई कहता है कोई और तरीका निकाल दो, कोई कहता है इतना पानी खरीद के ले आते हैं, कोई कहता है ऐसा कर लेते हैं। इन्हीं के बीच में एक बच्चा बैठा होता है अंदर, वो बताता है कि मैं अभी शायद उसका नाम दूसरा भी हो सकता है तो अनवर ही तो अनवर बताते हैं कि मैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र गया था ठीक है अपने कजिन ब्रदर के यहाँ, और वहाँ मैंने जो सिस्टम देखा वहाँ पर वो जो लोग हैं वो वाटर शेड कर रहे थे। अब आप कहोगे वाटर शेड क्या होता है, तो वाटर शेड का मतलब ये होता है कि जो भी बरसात से पानी गिरता है ये पानी क्या होता है, पानी जमीन पर गिरता है, जमीन पर बहुत सारे ऐसे तत्व या छोटे छोटे सब्सटेंस हैं जिनके कारण पानी प्रदूषित हो जाता है और ये क्या होता है खराब होकर के बह जाता है। लेकिन वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम इस पानी को जमा करें और अपने विभिन्न कार्यों में प्रयोग करें। इसके लिए क्या होता है कि आप अलग अलग जगह पर कुएं टैंक खुदवा दो, साफ सफाई करा दो, पेड़ पौधे लगा दो और कई अलग अलग जगह पर आप छोटी छोटी टंकियाँ सेटअप करवा दो। तो क्या होता है कि ग्राम सभा के लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, वो कहते हैं इस पर विचार किया जाएगा। अब वहाँ पर एक सेक्रेटरी साहब भी होते हैं, हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा हो ये ग्राम सेक्रेटरी क्या है, सभा क्या है, अभी सब बताओ बस अभी स्टोरी सुन लो ताकि ठीक है। तो वहाँ पर सेक्रेटरी साहब होते हैं, ग्राम प्रधान जी कहते हैं कि एक काम करो आप नोट करो और ये बताओ सरकार से हमको इस योजना के लिए कितना पैसा मिल सकता है, कैसे हो सकता है। तो सेक्रेटरी सरकार का आदमी होता है, वो कहता है बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, ऐसे ऐसे क्या होता है। तो इससे ये बताया गया इस पार्ट से कि कोई भी गांव के अंदर शासन का क्या मतलब होता है ठीक है। अब देखो भारत के अंदर जो सरकार है आपको तो पता है कि अगर पूरे भारत की बात कर लें तो ये हो जाता है सेंटर यानी कि केंद्र, उसके बाद सेंट्रल का मतलब हो गया पूरा इंडिया, और हमें पता है कि हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं 28 तो बताने वाला कोई नहीं है, अपना अलग राज्य घोषित कर लो नहीं, तो 28 राज्य होते हैं और हर राज्य की जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं विधानसभा ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अच्छा हर राज्य के अंदर शहर भी तो होते हैं, हर राज्य के अंदर शहर भी होते हैं, और उससे ऊपर क्या होता है कि हर राज्य के पास में अपना डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश क्या हो गया एक राज्य हो गया ठीक है, एक राज्य हो गया, और उस राज्य के अंदर होते हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम पीलीभीत में बैठे हुए ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने 75। अब हर डिस्ट्रिक्ट के यानी कि हर जिले के अंडर में कुछ ना कुछ गांव भी आते हैं, हमारे पीलीभीत में गांव भी संख्या सरकार का दिल्ली में बैठा हुआ है, क्या उसे पता है हमारे गांव में चचा क्या कर रहा है,
बात है कि एक आदमी जो दिल्ली में केंद्र में सरकार लेके बैठा हुआ है उसे पता चल रहा है कि गांव में महामारी फैल रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज पशुओं के खाने के लिए चारा नहीं, आज प्राथमिक विद्यालय के अंदर खाना नहीं मिल रहा, क्या उसे ये सब पता करने में कितना समय लग जाएगा? हो सकता है जब तक उसे पता चले पूरा का पूरा विद्यालय बंद हो गया, पूरा पूरा गाँव में उससे गायब हो गया। तो ये सिस्टम किया गया कि हम यहाँ से केंद्र से समस्याएं हैं सीधे प्रत्येक गाँव तक पहुँचा सके और गाँव के लोग की समस्या से निपट सके, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डीकेंद्रीकरण। इंग्लिश वालों लिखो डिसेंट्रलाइजेशन, कॉपी में लिखो डीकेंद्रीकरण, लिख दे रहा हूं यहां। ग्रामीण परिवेश से आता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गांव का है तो इनका मानना है कि उसकी
जब तक वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार से मदद मांगेगा तब तक काफी देर हो चुकी है। लेकिन इन्होंने तो इतनी पावर दे दी है कि प्रधान जी को मिले ही मोटरसाइकिल ढूंढने। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली डेमोक्रेसी है, यानी कि अगर कहें तो सीधा लोकतंत्र है। याद रखने दिक्कत कॉपी में लिख दिया केंद्रीकरण क्या होता है और केंद्रीकरण क्या होता है लिख दिया। अब एक लाइन लिख कर दिखा दो कि स्थानीय शासन इंग्लिश वाले जो लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के तहत हमको मिला है उद्देश्य भी बोलेंगे तहत मिला है एवं इसका उद्देश्य निम्न स्तर की समस्याओं को सुनना निम्न स्तर की समस्याओं को सुनना व गांव का विकास करना है किसी को दिक्कत दोबारा बोलते हैं। स्थानीय शासन विकेंद्रीकरण दिख नहीं रहा से कि हमारे शहर में बाढ़ भी डिवाइड कर देते हैं और
सदस्य आते हैं ये बाढ़ से चुने जाते हैं। जो गांव में डिवीजन होता है विभाजन होता है वहाँ पे अलग अलग मेंबर खड़े होते हैं बाढ़ से और उन्हीं के बीच में चुनाव होता है। जब हम उनको चुन लेते हैं तो वो कहे जाते हैं हमारे गाँव के सदस्य। ये ज्यादातर चीज़ें आप लोगों को पता भी होगी। और उसके बाद में एक हमारे गाँव के अंदर और चुनाव होता है उसको बोलते हैं प्रधानी का चुनाव। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा प्रधानी का चुनाव। और आज के समय पे प्रधानी के चुनाव का स्तर ये हो चुका है कि लोग एक एक करोड़ दो दो करोड़ रुपया प्रधानी के चुनाव में खर्च करते हैं। मतलब आप स्तर देखते हैं कि निम्न श्रेणी का सबसे निचले स्तर का चुनाव है ये और यहाँ पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो एक से दो करोड़ रुपया खर्च हो रहा है जबकि प्रधान के पास पूरे गाँव के विकास के लिए दो करोड़ रुपया आता है और दो करोड़ रुपया वो चुनाव में खर्च करने को तैयार है तो सोचिए उसके पास और एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हाँ वसूल कर लेना जरूर से। यहाँ पर कोई दिक्कत ग्राम पंचायत समझकर पंचायत सुनकर कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका मतलब समझिए आपका गांव गांव को हमने छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया। जैसे ही पूरा क्लासरूम गांव ले लो हमने बना दिया वार्ड नंबर सी वार्ड नंबर बी वार्ड नंबर ए। यहाँ से जितने चाहे उतने लोग खड़े हो सकते हैं चुनाव लड़ेंगे। इस वार्ड के लोग उनको वोट देंगे इस वार्ड से ये खड़े हो जाएंगे ये हो जाएंगे। उसके बाद जब वो जीत जाएंगे तो वो कहलाएंगे वार्ड सदस्य और गाँव के अंदर एक प्रधान चुनना होगा। प्रधान हमारे गाँव के बीच में कई सारे लोग खड़े होते हैं लोग प्रधान को चुन लेते हैं। अब ये प्रधान या सरपंच और सदस्य आपस में एक साथ एक मीटिंग करते हैं और वही मीटिंग को हम लोग बोलते हैं ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा की मीटिंग एक साल में कम से कम चार बार होनी चाहिए। कितनी बार? होली दिवाली का सारा ऐसा नहीं होना चाहिए होना चाहिए चार बार। इसमें मिनिमम जो है वो तीन महीने का गायब हो सकता है इससे ज़्यादा गायब नहीं हो सकता क्योंकि उनका मानना है कि गांव की समस्याएं जो है हमको हर तीन महीने में एक बार बैठ के सुननी चाहिए। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ ग्राम प्रधान हो सकता है कि बिल्कुल भी ऐसा आदमी बन जाए। इसमें सीट आती है रिजर्वेशन के तहत कई बार महिलाओं की कैटेगरी की सीट आती है अलग अलग सीट आती है। कई बार हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में ग्राम प्रधान बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या जागरूक नहीं होते बहुत कम जगह में ग्राम प्रधान बहुत जागरूक होते हैं। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हम प्रधान सदस्य को जितनी भी योजनाएँ हैं जितनी भी समस्याएँ हैं उनको बताने के लिए सरकार की तरफ से नियुक्त एक सेक्रेटरी देते हैं। इसको बोलते हैं सचिव। इसका काम क्या होता है कि ये जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है जो एक साल में चार बार होती है उसमें ये उपस्थित रहता है और जो ग्राम सभा होती है वहाँ पे भी सभी लोग बैठते हैं जो 18 साल से ऊपर के होते हैं जिनका मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में नाम होता है और उनके साथ बैठ के वहाँ पर समस्याएं सुनी जाती है। अभी आपने इस पार्ट में यही तो देखा कि ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है और लोगों ने अपनी पानी की समस्या रखी है और अभी एक समस्या और आएगी आगे जो इसी पार्ट में बीपीएल कार्ड की होगी। हम सब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं लगी। आपसे कोई पूछे सचिव क्या होता है ग्राम पंचायत क्या होता है प्रधान क्या होता है कोई भी दिक्कत है आप उसे पूछ सकते हो। मैं भी बता सकता हूँ आगे बढ़ेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा तो दिमाग में कहीं कंफ्यूज हो जाओ या अध्यक्षता की सदस्यता भी प्रधान कोई दिक्कत चले आगे बढ़े। अब देखिए ये जो पूरी बॉडी चल रही है यहाँ की ये जो ग्राम पंचायत का भी हमने विभिन्न हिस्सा पड़ा इसके पास में एक और सरकारी अधिकारी होता है जिसको बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी। कंफ्यूज मत होना इसमें ये मंत्री वाला भी आएगा। अभी इससे ऊपर जब पंचायत समिति की बात करेंगे वहाँ पे भी बीडीओ आएगा तो इसलिए लिख देना बीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी। अब एक प्रक्रिया को मैं सिस्टमेटिक ढंग से बना देता हूँ उसे अपनी कॉपी में उतार ताकि आपको दिक्कत ना हो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री लगा होगा।
ज्यादा समय होगा रह गया हो तब जैसे एक साल का समय यहाँ पे 6 महीने के लिए डेडलाइन है और ये हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये गांव के स्तर से मेरी समझ से आपको जानकारी पूछी तो मैंने अगर आप बच्चे नहीं समझ पाए कोई बात नहीं रिमाइंड कर सकते हो ठीक है अब लिखो सबसे पहले सर आप काम कौन करेगा इसकी जगह सर और ब्लैक का शासन चलेगा ब्लैक का ये शासन चलता राष्ट्रपति शासन और ब्लैक का शासन चलेगा बताइए बताइए आप क्या बता सर एक उप प्रधान भी होता है उप प्रधान चलो वापस आ जाओ बता दो आपस में डिस्कशन कर दो भाई उसे हटाने के लिए ये जो वार्ड मेंबर होते हैं ना वार्ड मेंबर इनके पास ताकत होती है सबसे पहली बात तो अगर कोई प्रधान चयनित हो गया तो 2 साल तक तो दुनिया किसी की हटा नहीं सकती जब तक करना है और 2 साल से पहले यदि हटाना है तो 2/3 जो सदस्य होते हैं गांव के वार्ड मेंबर होते हैं वो उसके खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव महाभियोग और अगर अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित होने के बाद में वो गिर गया तो उसकी जगह पर प्रधान का चुनाव तो ये प्रक्रिया होती है होता है ग्राम सभा ठीक है तो सर वो कहाँ पर आएगा बता ग्राम पंचायत जो होता है इसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सरपंच का चुनाव होता है जी सर और यहाँ पे सदस्य का चुनाव होता है जी सर जीतने के बाद जब ये दोनों लोग जीत जाते हैं तो ये 1 साल के कार्यकाल में 4 बार ग्राम सभा करते हैं ग्राम सभा का मतलब होता है मीटिंग इस स्तर अच्छा सर मीटिंग को ग्राम सभा बोलेंगे ग्राम सभा अपने आप में कोई सोसाइटी या कोई नहीं नहीं ऐसा नहीं ग्राम सभा का मतलब होता है जैसे सभा और समिति आप लोगों ने पहले का पढ़ा होगा कि सभा और समिति तो ऐसा नहीं बाकी लोग सर तो फिल्म से जोड़ दिया गया है मेरी सरकार तो फिल्म लगा दे सबसे
अध्यक्ष और प्रधान से क्या अंतर होता है? वही होता है, वही सरपंच हो वही प्रधान वही है। मैं खुद चलाता हूँ, ये प्रधान ही और ये प्रधान ही है। ठीक है, चार्ट बना के आप कुछ और बातें करते हैं ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत जो है इसकी मांग करने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले तो इसकी कमेटी बनी और कमेटी की शुरुआत मैंने क्या आपको बताया था कि जब हम लोग आगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर पढ़ेंगे तो मैं 1952 के अंदर आपको ये बताऊंगा कैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जरिए इसकी मांग रखी गई। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे अशोक मेहता कमेटी आई और उससे पहले इंडिया अशोक मेहता कमेटी आई और उसके बाद कमेटी आने के बाद कैसे पीवी के राव ने अपनी सरकार के समय पे इसको मांग करी। फिर सिंघवी समिति के बाद में ये हुआ कि 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करके ग्राम स्तर पर और शहर स्तर पर म्यूनसिपैलिटी और यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन हो गया। लेकिन इसकी सबसे पहले अगर आप मांग करो तो सबसे पहली, ठीक है, जो पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन सर्वे हुआ, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जनता की गणना हुई जिसको बोलते हैं जनगणना, वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मायो के समय। ये पता है सभी को 1872 के समय में जब लॉर्ड मायो की जनगणना हुई तो उसने ये देखा कि ज़्यादातर रहने वाले भारतीय लोग ग्रामीण, ये तो आज भी 67% आबादी जो है वो ग्रामीण है, लोगों का रहेगा कि ज़्यादातर आबादी शहर। उसके बाद क्या हुआ कि एक आते हैं यहाँ पर लॉर्ड रिपन, क्या नाम होता है, उनको कहा जाता है कि सौ शासन का सबसे मुख्य कर्ता होता है, उनको फादर कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। उनका ये कहना था कि अगर आप ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पर यानी कि बिल्कुल निम्न स्तर पर पावर यानी शक्तियों का विभाजन कर लेंगे तो फिर इससे डेवलपमेंट काफी आसान। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने लोकल स्वशासन की मांग करी, इस वजह से उनको पिता कहा जाता है। सर आगे लिखवाएंगे, सर आगे लिखवाएंगे। अब ये सारा जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है मैंने क्लास 11th वाली बुक के लिए बचा कर रखा। अगर मैं यहीं पर आपको ज़्यादा चीज़ें दे दूँगा तो क्लास 6 के NCERT से टॉपिक भटक जाएगा। अभी सिर्फ आपको जिस्ट देने का मतलब है कि आप छोटे लेवल पर जाते हैं, फिर हम इसको 7th में भी डिस्कस करेंगे, 8th में करेंगे, 11th में करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आपके आएगा तो आप चार बार पढ़ेंगे। अच्छा, आप ध्यान से सुनोगे सब, एक बार और सुनो, रिपीट किए दे रहे हैं तभी ना समझ में। गांव के अंदर जो शासन होता है वो तीन स्तर पे होता है। सबसे पहले निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत। ऐसा समझो कि आप एक गांव में रहते हो, उस गांव के अंदर आपका काम है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तो आप दो लोगों को वोटिंग देंगे। और क्या होता है कि वोटिंग का खर्चा बचाने के लिए इन दोनों के चुनाव आपने देखेंगे एक ही साथ होते हैं, एक ही दिन में हो जाते हैं। आपको दो पर्चे लिख दिए जाते हैं, जब जो गाँव के लोग अगर वोट डाले जाते हैं अपना आधार कार्ड या आईडी लेके जाते हैं और ठप्पा लगा देते हैं प्रधान की कोई और सदस्य। आपका एक गांव है, आपके गांव का एक प्रधान मिल गया और आपको सदस्य मिल गया। सदस्य की संख्या जो है वो 9 से 15% से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, हालांकि ये सब फैक्चुअल है, ये UPPSC के लेवल का है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों एग्जाम को टारगेट करते हैं तो आप लिख सकते हो। ठीक है, वरना UPSC को सीधे ये पूछता है कि कितना स्तरीय रहता है, इसके स्तरीय के पीछे कौन सा संशोधन हुआ और वो संशोधन के पीछे कौन सी कमेटी। ठीक है, आपके गांव के अंदर प्रधान जी हो गए, आपके गांव के अंदर सदस्य हो गए और जो भी सदस्य होते हैं और जो भी प्रधान होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। बीच में यदि प्रधान जी का देहांत हो जाता है तो मैंने आपको बता दिया 6 महीने का समय है तो उसके बाद चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। 6 महीने से ज़्यादा समय भी रह गया है तो हम चुनाव करा सकते हैं। 6 महीने एक दिन, 6 महीने एक दिन रह गया तो चुनाव हो सकता है कई जगहों पर नहीं, इतना लॉजिक नहीं लगा। किसी गांव में अमरिया प्रधान हो गए, अब उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, लेकिन पहले इसका उत्तर तो देने दीजिए, ये तो सुन लीजिए आप, उसके बाद आप मानिए घर के नाम चार से का नाम मारना है किसी और भी मानिए एक्स वाई जेड को मानिए। अब देखो इस मामले में प्रधान जो चुने जाएंगे, इस मामले में दोनों प्रकार की चुनाव प्रक्रिया
ज्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो क्या प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि गांव के अंदर जितने भी लोग 18 साल से ऊपर के होते हैं या 18 साल के होते हैं तो वोट देते हैं, सदस्य को भी वोट देते हैं और प्रधान को भी देते हैं। लेकिन कई जगह ये प्रणाली जो है वो लागू नहीं, जैसे राजस्थान बिहार में भी लमसम यहाँ से मैच, लेकिन अगर आप एमपी या और जगहों के गुजरात वगैरह की आप बात करते हो पंचायत में तो वहाँ पे जो सदस्य बनते हैं इन्हीं के साथ आपस में मीटिंग करके प्रधान चुन लिए जाते हैं। तो कई जगह पर क्या होता है कि उनका चुनाव सर एक डाउट था मुझे कि सरपंच और प्रधान एक ही पद है अलग अलग होता है? सरपंच जब एक प्रधान जो होता है उसको उठा करके हम न्यायपालिका के कार्य में बैठा देते हैं, गांव के अंदर जो सभा लगती है उस सभा के अंदर उसको पंच, यहाँ से निकलते हैं कई सारे पंच जो सदस्य होते हैं उसमें से पांच पंच चुन लिए जाते हैं और उनके ऊपर एक सरपंच होता है, तो ये डबल भूमिका में आता है। अच्छा, न्यायिक काम जबकि व्यक्ति एक ही होता है, कई जगह दो भी व्यक्ति होते हैं। अच्छा सर, कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे दो गांव हैं और दो गांव के मिलके सिर्फ एक पंचायत बनती है, ऐसा हो सकता है, और जबकि उनके प्रधान दो हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो सर देखिए, ग्राम सभा के अंदर क्या होता है कि 1000 लोग की उपस्थिति होना चाहिए, अगर 1000 से कम की उपस्थिति हो रही है तो कई सारी ग्राम पंचायतें जोड़कर एक ही सभा के अंदर मीटिंग करा ली जाती है, तो ये तो सर वहाँ पर फिर हम दो प्रधान में से किसी एक को चुनेंगे? हाँ नहीं, दो प्रधान बैठेंगे वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग गाँव के प्रधान, लेकिन सरपंच वहाँ पर एक ही होगा? सरपंच सर, सरपंच हम एक साल के लिए चुनते हैं या पाँच साल? नहीं, सरपंच की इसी टेंडर भी होता है, पूरे टेंडर होता है, और इसको ज़्यादातर कहते हैं न्यायिक बॉडी, जुडिशियल बॉडी, ठीक है? अच्छा हाँ भाई, राजस्थान में किया गया था पांचवी पास अलाउ कर दिया गया था कि सिर्फ पांचवी पास ही प्रधान के चुनाव लड़ सकते हैं, उसको अब नील कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट का प्रांत जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम अरुणाचल असम, यहाँ पे तीन स्तरीय नहीं, यहाँ पे सिर्फ दो ही स्तरीय, इसके पीछे ये है उन्होंने कहा कि अगर 20 लाख की आबादी होती है तब हम जाकर के आप तीन स्तरीय बना सकते हैं, 20 लाख की आबादी कम है आपके जिले में तो आप दो स्तरीय बनाए, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, अब कई ऐसे राज्य हैं जिनमें 1 ही स्तरीय, तो ये राज्य सरकार के अधीन होता है कि वो अपने अभी कोई डाउट उसके लिए हाँ बिल्कुल 243 से लेकर के 243 रात तक, यानी कि आप वो सारे का सारा ये दिया हुआ है कि राज्य क्या क्या विशेष तत्व देखेंगे, और वैसे भी राज्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हमें अपने जितने भी ग्राम हैं उनका विकास करना, उसके लिए उनको अगर वो आबादी ज़्यादातर ये चीज़ें आबादी के ऊपर होती हैं, जैसे जो सेक्रेटरी होता है सचिव होता है जो सरकार का आदमी होता है वो 500 की आबादी पे, उसके बाद शहर के अंदर 50,000 की आबादी पे, जैसे हमारे अलग अलग सिस्टम अलग अलग प्रणाली होती है। ये टॉपिक को आप कॉम्प्लिकेटेड अभी यहाँ समझें, अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इस पर अपनी क्वेश्चन लिख लें, मान लीजिए आपको कोई दिक्कत हो रही प्रधान नहीं समझ में आया, सदस्य नहीं समझ में आया, तो जो आपको 30% की लाइन में डिवाइड कर लिए बहुत लिखे, और जब हम क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तब उस समय पर आप अपने डाउट देखें कि क्या डाउट बचता है, क्योंकि अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो भूमिका है उस समय तो काफ़ी डीप चलेगा और अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई रानी 21 साल का कोई व्यक्ति हो पढ़ा हो जाए बताने के लिए, और लोकसभा चुनाव के लिए कितनी होना चाहिए उम्र? 25 होनी चाहिए सर, 25 लोकसभा 25 और राज्यसभा 20 आपको डाउट यहाँ पर 21 कोई नहीं इनफाइनाइट करो जितनी उम्र हो सबसे वृद्ध प्रधान पढ़े चाहिए, ठीक है?
चले भाई प्रधान जी छोड़ो नहीं इंटरेक्शन के ऊपर प्रधान जी ये बीस सवाल वीडियो वहाँ पे ये करेगा कि हमें अगर कोई भी डेवलपमेंट काम करना है जैसे हमें फंड चाहिए तो हमें ब्लॉक से फंड मिलता है तो इसके लिए वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा सारी चीज़ें लिखेगा मुआयना करेगा सब कुछ देखेगा और सेक्रेटरी का काम उसमें होता है क्या सभा के बीच में क्या निर्णय हुआ क्या चीज़ें निकल गई वो ये नोट करता है और इनफेक्ट यहाँ पे तो अभी लेखपाल का प्रशिक्षण आएगा तो लेखपाल भी होता है सरकारी होता है वहाँ पर सबसे बड़ा तहसील का भी प्रशिक्षण आएगा तो ये चीज़ें यहाँ पर कोई बड़ा और कुछ प्रधान जी के ऊपर बताओ भाई सवाल से क्या होगा चुनाव होगा तो चलो भाई प्रधान जी के स्तर से ऊपर आ जाओ आप दूसरा आ जाओ पंचायत समिति ग्राम पंचायत वाले चार्ट बना दिया नहीं बनाया तो दोबारा बता दिया ग्राम पंचायत के अंदर ऐसे कि एक सरपंच या और भी प्रधान लिख सकते हो नीचे सदस्य लिख सकते हो सदस्य 9 से 15 होंगे ये बाढ़ ग्राम होता है बाढ़ में डिवाइड कर दिया जाता है नदिया में तो जो बाढ़ होता है उसके हिसाब से सदस्य चुनते हैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्यक्ष रूप से प्रधान के पास जाकर के यानी जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें वोटिंग होता है ठीक है 9 से 15 नहीं 9 से 15 में देखा नहीं है एक्चुअली जो आप 9 से 15 पूछ रहे हैं ना इसका भी प्रावधान है कि अगर जनसंख्या किसी गाँव की 1000 है तो फिर वहाँ पर होंगे 9+1 प्रधान ये प्रावधान है ऐसे करते करते 15 हो जाएंगे अगर उससे ज़्यादा की आवश्यकता पड़ रही है तो आप संशोधन के लिए राज्य सरकार से कह सकते हैं राज्य सरकार द्वारा सर जी हम एक प्रैक्टिकल तौर पे सार्थक को एक दिन के प्रधान बनाना चाह रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पे सार्थक को एक दिन के प्रधान बनाना चाह रहे हैं बलिया का सार्थक को प्रधान बनाना चाह रहे हैं इस बारे में आप सार्थक से राय ले सकते चलो भैया पंचायत यानी कि ब्लॉक पे आ जाओ उनकी मृत्यु हो जाएगी सर अब देखिए यहाँ पर भी आपका 2 स्तरीय सिस्टम होता है इसके भी सदस्य होते हैं और दूसरा होता है यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी अब अभी हमने देखा था कि गांव के पंचायत स्तर पे हम प्रधान को भी वोट दे रहे हैं और सदस्य को भी वोट दे रहे हैं लेकिन क्या यहाँ पर हम दोनों में किसी को वोट देते हैं गाँव के क्षेत्र के लोगों हाँ ब्लॉक किस चीज की आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुसार वो अपनी रिपोर्ट बना करके किसके
जो कि ये प्रत्येक गांव के डेवलपमेंट के हिसाब से उनको समय समय पर मुहैया कराता है। तो ये काम जिला पंचायत का होता है। और जिला पंचायत के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, राज्यपाल का पूरा हाथ होता है इसके। और जिला पंचायत के अंदर भी ऑफिसर होता है, ठीक है। अगर जिला लेवल पर जिला पंचायत अधिकारी नहीं होता है तो उसकी जगह भूमिका कौन सा अधिकारी? डीएम साहब। पंचायत समिति में यहाँ पर ब्लॉक सर सीडीओ नहीं, सीडीओ वाली जो पोस्ट है उसके है वो जो आप सही कह रहे हैं, सीडीओ वाले पद के है। लेकिन उसके अलावा भी एक पोस्ट होती है जिसमें जो एक प्रधान जी है ये जाकर के कभी अपना रेजिग्नेशन देते हैं, वो भी पहले फॉर्म जिला पंचायत हमारी समझ गए ना। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ, वो है ग्राम विकास अधिकारी और ये है ब्लॉक, ब्लॉक का नाम है। हाँ नहीं नहीं ये बी डी उस वाले तीन लेवल तीन अधिकारी, सबसे नीचे बीडीओ यानी विलेज, उससे ऊपर बीडीओ यानी ब्लॉक, और उससे ऊपर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है। इसके लिए पर्चा बनता है चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर और उसके बाद देखिए आप मुख्य विकास अधिकारी दिमाग
गांव के शासन की पूरी भी प्रक्रिया से आप अवगत हुए कि नहीं हुए? थोड़ा वो समझना है, बिना किसी को दिक्कत वो समझ में आया, आ गया सभी आया कुछ नहीं? चलो यार धन्यवाद। लिखो सबसे पहले ग्राम पंचायत लिखो और डैश लगा के लिखो ग्राम पंचायत। गांव को कहा जाता है वह ग्राम पंचायत का प्रधान व सदस्य होते हैं। ग्राम प्रधान व सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत। दोबारा बोलते ग्राम पंचायत का डैश लगा के लिखिए कि ग्राम पंचायत, ठीक है, का प्रधान और सदस्य होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। आप डैश लगा के लिख सकते हो 5 वर्ष कार्यकाल। शॉर्ट कार्यकाल डैश 5 वर्ष। यह सभी उपस्थित होकर ग्राम सभा में औपचारिक मतलब फॉर्मल औपचारिक सभा करते हैं, औपचारिक सभा करते हैं जहां गांव की समस्याएं सुनी जाती हैं। अगर कोई दिक्कत भी है तो चिंता ना करो, हम PDF अपलोड करेंगे उसमें आपको ये समझ जाएगा। सुनते हैं। तो ये था गांव का एक आप कह सकते हो रूपरेखा थी गांव के साथ। ठीक है, थोड़ी जटिल है लेकिन अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे, अब घर जाकर इसको स्वयं से जरूर पढ़िएगा और आसपास अगर आपके कोई गांव के प्रधान हैं या कोई जानने वाले हैं तो उनसे इस प्रक्रिया पर डिस्कशन जरूर कीजिएगा। इससे आपको और इंटरेस्ट आएगा और उनको भी लगेगा कि चलो ठीक है बच्चा गाँव के बारे में थोड़ा डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया गाँव का स्तर। आपने यहाँ पर एक मुख्य चीज़ देखी कि प्रधान जो होता है उससे अपनी समस्याएं कहना कितना आसान। अगर हम बात करें विधायक, जैसे हमारे शहर के विधायक हैं तो आपने देखा होगा उनका पूरा दिन जो है वो कितना व्यस्त रहता है। साथ में हमारे शहर के विधायक की राजनीति भी है तो क्या रहता है कि उनके पास अनेक काम रहते हैं। लेकिन प्रधान से मिलना कितना आसान है, आपकी बकरी चोरी होगी जब भी आप चाह रहे हैं प्रधान जी के पास। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई छोटी से छोटी समस्या होती है तो आप प्रधान के पास जाके चले जाते हैं। अच्छा, वार्ड मेंबरों का काम क्या? जैसे आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आपको कई चीज़ों की प्रमाणिकता चाहिए, आप गांव के निवासी हैं, तैयार के कागज, सरकार विभिन्न योजनाएं लाती है तो कैसे कंफर्म करती है, कैसे पुष्टि करती है कि कोई व्यक्ति गांव का निवासी है नहीं है, तो वो क्या करती है मेंबरों को या प्रधान को आदेश देती है कि तुम अपने गाँव के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ। और कई बार क्या होता है कि ऐसे फॉर्म आते हैं जिससे उनके हस्ताक्षर या मोहर चाहिए होती है, तो जब तक उनकी मोहर नहीं लगेगी वो गाँव में आपका कागज आगे नहीं बढ़ेगा। याद करके समझिए कि गांव के अंदर राशन वितरण के भी इन लोगों का अधिकार होता है। और जो वार्ड मेंबर यानी गांव के अंदर छोटे छोटे हिस्से बना दिए जाते हैं उन वार्ड मेंबर का काम होता है कि अपने वार्ड का विकास करना, नालियों की सफाई, नल हो गया, बत्ती हो गई, और भी सुविधाएं, सोलर पैनल, और भी विभिन्न प्रकार की जैसे पशु जो हैं उनको समय समय पर दवाई लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी, ये सारी चीज़ें गाँव के वार्ड मेंबर जो है मैनेज करते हैं। और एक जो प्रधान होता है वो गाँव का सबसे पहला व्यक्ति होता है, ये भी बताया है। अगर गांव में कहते हैं कि सबसे पहला व्यक्ति कौन है तो सबसे पहले व्यक्ति का मतलब ये नहीं होता कि वो गांव में सबसे पहले जन्मा है, इसका ये है बिल्कुल सबसे पहले मतलब व्यक्ति ये है कि कोई भी अगर सरकारी फॉर्मेलिटी प्रोटोकॉल के तहत जाएगा तो सबसे पहले उसको सूचना देगा, कोई भी जानकारी आएगी तो प्रधान के पास आनी चाहिए। प्रधान गाँव के स्तर का सबसे पहला व्यक्ति होता है। ठीक है, प्रधानों के साथ में ये जो सिस्टम है आप सभी देख रहे होंगे लेकिन ये जो प्रक्रिया है आपने देखा होगा ये इतनी ज़्यादा कार्य कुशल नहीं है, इसमें समस्याएं आती हैं। उसके पीछे अब समस्याएं जो आती हैं वो आती है राज्य, ये जो प्रधानी के चुनाव होते हैं, ठीक है,
और हमारे शहर के अंदर म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होते हैं। इन चुनाव को करवाता है राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग क्या होता है? पूरे भारत के अंदर अगर चुनाव कराने की बात करूँ तो चुनाव बहुत ही व्यस्त प्रक्रिया है, इसमें बहुत लाखों रुपये खर्च होते हैं आयोग को। तो इसके लिए क्या कर रखा है, हमारे देश के संविधान ने दो तरीके की बॉडी यानी दो तरीके की बात करी है प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया में आती है आपकी सेंटर की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग। उसका काम होता है कि वो आपको छह प्रकार के चुनाव कराती है, जैसे आप मान के चलिए कि राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, ठीक है, उसके बाद आपके लोकसभा वाले चुनाव होते हैं, एमएलए से चुनाव होता है, एमपी से, एमपी को तो समझ में आया, ठीक है, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ये सारे चुनाव उसी के अंतर्गत होते हैं। लेकिन जो राज्य का जो इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग होता है, जो राज्य का, उसका काम होता है कि वो आपके प्रधानी के चुनाव को देखे और आपके शहर के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी के चुनाव होता है उनको देखे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर इस चुनाव का पैसा कहाँ आता है? केंद्र के चुनाव का जो भी पैसा होता है वो इलेक्शन कमीशन अपना एक फंड बना के चलता है, पोस्ट बना के चलता है। राज्य सरकार के पास जो भी पैसा होता है और जो भी चुनाव में खर्च होता है उसका पूरा कोष बनाता है राज्य का। कौन बनाता है? राज्य का। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि पीसीएस लेवल के चीज़ें पूछ लेते हैं कि राज्य के अंदर जब चुनाव होता है तो उसका कोष जो होता है वो कोष कौन बनाता है, या उस कोष की देखरेख, या उस कोष का निर्माण कौन करता है? उसका निर्माण राज्यपाल करता है। और सबको पता है कि राज्यपाल किसका व्यक्ति होता है, कहाँ से आया होता है? केंद्र से आया होता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चुनावी प्रक्रिया है वो केंद्र से प्रभावित होती है। हमारे भारत के संविधान के अंदर आगे आगे आप लोगों को संविधान समझाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि भले ही केंद्र और राज्य में अंतर है, भारत का संविधान संघीय है यानी फेडरल है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर चीज़ों पर कंट्रोल किसका है? केंद्र का। सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया है कि हमें अपने कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। अब रिक्तता क्या आती है सर? एक डाउट था। हाँ सर, आर्टिकल 243 की तरह हमें कहा गया है कि हम एक राज्य वित्त आयोग का निर्माण करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात हुई, ठीक है। सर, उसमें राज्यपाल का वर्णन कहीं पर नहीं है। राज्यपाल का आपको जो वर्णन पढ़ना है तो आप अनुच्छेद 243 में जो भाग 9 है पंचायत, इसके अंदर आप एक बार जरूर देखिए, आई थिंक 243 बी या क्यू के आसपास में ये दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड बोला, ठीक है। आप संविधान या अब दिक्कत क्या आ रही है कि वो हमारे स्थानीय स्वशासन फेल होता चला रहा है, ठीक है। फेल इसलिए होता चला जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार है वो अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। उसका मानना है कि राज्य के अंदर जो हमारी सरकार है और अगर हमको ग्राम यानी किसी गांव पे भी कब्जा करना है, अपने अंडर में रखना है गाँव को, तो प्रधान भी हमारा चुनिंदा व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए आजकल आप देखेंगे कि राज्य सरकार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्ट लेने लगे। अगर अभी हाल ही में आपको अगर प्रधान के चुनाव देखे होंगे तो आपने देखा होगा प्रधान के चुनाव में बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी सामने है। मीडिया ने भी कहा था कि महिलाओं ने काफ़ी कंप्लेन मिली कि हम वोटिंग में जा रहे हैं लाइन में तो हमारा लाइन से हटा दिया गया या हर बार धांधलीबाजी आती है, ठीक है। तो क्या जब राज्य सरकार का हस्तक्षेप स्थानीय शासन को होने लगता है तो इससे कहीं आगे दिक्कत आती है। दूसरी समस्या ये आती है, एक प्रधान की जो तनख्वाह होती है वो भी काफ़ी कम होती है। प्रधान बस अपने काम को पद के लिए लेना है, अपने लिए ज़्यादातर नहीं लेना है, आप उसकी तनख्वाह की बात। अब वो बात अलग है कि वो इनडायरेक्टली बहुत सारा फंड उसमें मिल जाता है, ऐसी की बात हो जाती है। प्रधान की तनख्वाह इस वक्त आप मान के चलिए कि 2500 से और अभी पिछले साल ही मानते हैं कब आया गया है, तो आप भले 3000 रुपये सिर्फ, हाँ 5000 पैसे तो मैंने भी आप लोगों को 7000 सुना है, लेकिन आपकी बात, हाँ लेकिन आप जी अब 7000 रुपये, लेकिन सबसे पहले 2500 या 2000 ही था। दूसरी समस्या ये आती है कि अभी भी आप एक चीज़ ये देखो कि अगर गाँव का विकास करना है तो गांव का विकास करने के लिए इनको अपनी सारी रिपोर्ट बिलाग के पास आनी है, और बिलाग की सारा फंड तब रिलीज करेगा जब जिला के पास सारी रिपोर्ट जाएगी और जिला हमारा पंचायत समिति है वो जाकर के फंड रिलीज करेंगे। तो प्रधान की बात और अपने गांव का विकास ऐसे करके टलता चला जाए, तो अभी भी तीन स्तरीय जो सिस्टम है इसके अंदर भी फ्लेक्सीबिलिटी आनी चाहिए और कार्य तीव्र गति से होना चाहिए। ये इसके अंदर मुख्य कारण आप कह सकते हो कि क्यों विफल होगा। अब वापस आ जाते हैं एनसीईआरटी की जो अंदर बात है उसमें इन्होंने प्रधान के बारे में बताया है, आपके सदस्य के बारे में बताया है और ग्राम सभा के बारे में बताया है। अब आप ये बताओ कि ग्राम सभा में कोई दिक्कत जो एनसीईआरटी में लिखना है, प्रधान में कोई दिक्कत, सदस्य में कोई दिक्कत? एक एनसीईआरटी पूरा चैप्टर और एनसीईआरटी में हालांकि कक्षा आप पढ़ोगे 11 एनसीईआरटी में जो मैंने समझाया है सब दिया हुआ है, लेकिन अब आप लोगों की रूपरेखा तो नहीं मिली आज जबकि बिल्कुल सिर के ऊपर से बाउंसर गया है वो बिल्कुल चिंता ना करें, जब आगे कक्षा 11 को
होगा उस दिन मैं आपको ग्रुप में मैसेज डालूंगा तो तकिया एवं कंबल अवश्य ले जाए। पर क्या होता है कि जो लोग गांव के हैं उन्होंने थोड़ा एंजॉय हो सकता है इसको करा हो जो इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को जान रहे और जो लोग ग्रामीण परिवेश के उनको ये जानकारी आवश्यक है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। तो कक्षा 6 के एनसीईआरटी में ग्राम सभा का मामला तो निपटी गया होता है, वो कहते हैं कि पानी की समस्या है। दूसरी एक ग्राम सभा के बीच में दूसरे दूसरे और चल रहे हैं, वो ये चल रही होती है कि हमारे शहर हो चाहे गांव हो वहाँ पर हमको मिलता है गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड। कौन सा कार्ड मिलता है? बीपीएल। अच्छा वो सुबह लेक्चर नहीं था ना तो थोड़े दिन पहले आप सो गए होंगे। पानी पीना तो पिया, पानी पीना है, वॉशरूम जाना है, प्रधान जी की तरह काम करने जाना है, पंचायत छोड़नी, ग्राम सभा दो मिनट रोक दे वहाँ पे रुक जाएगी ऊपर वाले से। किसी गांव में ग्राम प्रधान की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? होती है। ग्राम प्रधान को हम लोग चुनते हैं कि आसमान से आते हैं? कैसे चुनते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग। गांव के अंदर सदस्य होते हैं, सदस्य का क्या काम होता है? अपने वार्ड का डेवलपमेंट करना। सर जैसे स्ट्रीट लाइट का है कि कहीं रोशनी नहीं है तो स्ट्रीट लाइट है और भी चीज़ें हैं। ताली बजा देते हैं हम? नहीं बजाए। चलो तो किया जाए। ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सी समिति होती है? ग्राम पंचायत से ऊपर कौन सी समिति होती है? पंचायत से ऊपर कौन सा परिषद होता है? जिला परिषद। क्या एक गाँव को दो प्रधान हो सकते हैं? ग्राम सभा में बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या कोई शहर का आदमी गांव की जो मीटिंग होगी ग्राम सभा में बैठ सकता है? यस सर। नहीं बैठ सकता ना? अभी आ जाओ। बैठ सकता है। गांव के अंदर जो चुनाव होते हैं, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, उन चुनाव की जिम्मेदारी कौन से आयोग की होती है? केंद्रीय चुनाव आयोग की, राज्य चुनाव आयोग की, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की। जितना पैसा आता है वो सुनता है राज्य चुनाव आयोग। कितने लोगों को लगता है कि स्थानीय जो प्रशासन है यानी स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, ये तीन स्तरीय होना ठीक है या इसके स्तर कम होने चाहिए? कितनों को लगता है? सर मेरे को लगता है थोड़े दो स्तरीय ठीक है। दो स्तरीय? अच्छा ऐसा क्यों लगता है आपको कि तीन स्तरीय होना गलत है? कोई एक बता सकता है? आप ही बताइए। तीन स्तरीय आप समस्या आ रही है जिसके कारण लोकल जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, तो आप इसकी स्तर की बात ले सकते हैं। जी सर। क्योंकि स्तर की वजह से काम बढ़ जाता है। जी सर। आप ये देखा है कि हम सदस्यों का चुनाव बार बार करा रहे हैं, कोई समस्या हो रही है तो ब्लॉक के लेते हैं और ब्लॉक उसको जिला परिषद को देता है, तो इससे क्या होता है कि कहीं पर जब काम करने के लिए हैंड बढ़ जाते हैं तो कभी कभी क्या जिम्मेदारी बढ़ने के चक्कर में काम पेंडिंग हो जाता है। अरे क्या हुआ? हाँ ले लो आप लाइए से लाइए, आप वीडियो बनाते हैं आज से। चलो उसको इधर कर दो। देखिए राशन कार्ड का मतलब ये तहसील में रहने लोगों को राशन कार्ड का अपलोड के जो कार्य होता है वो तो ये होता है कि राशन एवं और भी चीज़ें वितरण के लिए जो आती है उनको वितरण करने के लिए सरकार। अब एक कार्ड और होता है जिसको कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे कार्ड, जिसको कहते हैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाल कार्ड। उस कार्ड का काम ये होता है कि जो गाँव के लिस्ट तैयार अरे क्या हुआ आप इस बातें को अब सुन लो भाई है, कार्ड नहीं है। गरीब है जिनके लिए सरकार कुछ अलग
एवं बीपीएल कार्ड एक छोटा मोटा कार्ड नहीं है। जब भारत में जनसंख्या पर सर्वे होता है तो बीपीएल कार्ड ये बताता है कि भारत के अंदर कितने प्रतिशत गरीबी है। क्या कोई बता सकता है इस वक्त भारत के अंदर कितने प्रतिशत गरीबी है? 20 से 22, 20 से 40, 20 से 50, 50 से 60। पचास से साठ। तुम तो पूरा इंडिया गरीब कर दो, 100% अभी योजना निकालो 1000 रुपए, अभी देखो कितने गरीब मिलते हैं। भारत में गरीबी का जो स्तर है वो 20 से 40 के बीच जाता है, और एग्जैक्ट अगर बात करें 2016 और 18 के आंकड़ों के अनुसार तो 27% के आसपास भारत में गरीबी है, जिसको हटाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलती है भारत सर। ये बताइए सर, अभी कोई योजना निकालो 15 महीने की, अब 1000 गरीब आ जाएंगे। नहीं देखिए, वो अलग चल रहा है, हो सकता है गरीब अपना सब कुछ बेच के ला, आप उसकी जेब में 500 के नोट का आंकलन नहीं कर सकते। आप अपने मन में प्रेजुडिस उसकी पुष्टि को कराती नहीं है और उम्र लग जाती है। ये ऐसे जो आपने विषय बताया, अब ये बहुत अच्छी बात बताई, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप मेंस का उत्तर लिखे तो ये सारी बातें ना, ये ध्यान रखिए आप, मतलब आप सरकार की कहानियाँ वो बताएं जो सरकार ने खुद मानी। हर साल आयोग की रिपोर्ट आती है कि गांव का सुशासन कैसा है, प्रशासन कैसा है, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारियों में सुधार की रिपोर्ट आती है, आप उसके आंकड़े के बेसिस पे लिखते हैं, लेकिन कभी भी अपनी तरफ से ना निकले कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कि सरकार नोटर लगा देती है, कि बीपीएल कार्ड, इससे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर में मार्क्स। अब वापस आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पे, होता क्या है कि यही ग्राम सभा के अंदर एक मुद्दा और जिसमें बातचीत हुई होती है वो होता है बीपीएल कार्ड। कुछ लोग आपस में पूछा कर रहे होते हैं कि ग्राम सभा के अंदर जो है वो बीपीएल की सूची पड़ी जाती है, बताया जाता है कि इनका नाम उस सूची में है या नहीं। तो एक व्यक्ति होता है इस गांव का ओम प्रकाश, उसका नाम उस सूची में नहीं होता है, तो ग्राम सभा के जो लोग बैठे हुए होते हैं वो वहाँ आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे ओम प्रकाश का नाम तो आया नहीं, वो तो बहुत गरीब है, उसका नाम आना चाहिए था। वहीं पर गाँव का एक व्यक्ति और होता है, उसका नाम होता है नटवर, और नटवर जो है गाँव वाले उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि इसने तो अभी नई गलती बीपी खरीदी है, इसका बेटा तो अभी हाल ही में इसको मोटरसाइकिल दे दिया है और इसका नाम गाँव की बीपीएल सूची में आ गया। तभी कुछ लोग आपस में खुशी खुशी करते हैं और कहते हैं इसका अमीर चंद जो कि जमींदार था और जिसके प्रधान से अच्छे संबंध है उसका दोस्त है ये ना। तभी एक औरत होती है, ठीक है, ओम प्रकाश की बात कहती है खड़े होकर ग्राम सभा के पीछे, वो कहती है कि ओम प्रकाश का नाम नहीं है, जबकि ओम प्रकाश बहुत गरीब है। तो प्रधान जी अपना नौ जमाते हुए कहते हैं कि जिन लोगों को मैंने ये बीपीएल सूची बनाने के लिए भेजा था बताओ ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं। तो वो लोग कहते हैं साहब हम घर पर तो गए थे पर ताला पड़ा हुआ था, जरूर ओम प्रकाश कहीं गए होंगे, हमको मिल नहीं पाए। तो प्रधान जी कहते हैं कि आप एक काम करना, अब आगे से जाना और दोबारा जाना, और अगर उनका नाम जो है वो गरीबी रेखा सूची में पढ़ना चाहिए तो आप उसको वहाँ पर डालें। तो इससे आप एक मुद्दे समझें, ये जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर है ये बताना चाहता है कि ग्राम सभा के बीच में हर प्रकार के मुद्दे रखे जाते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि पानी से संबंधित मुद्दा होता है, कि पानी से संबंधित अगर कोई शिकायत होती है, अन्य शिकायतें होती हैं तो ग्राम सभा में। अब ग्राम सभा की वर्किंग जिसे नहीं समझ में आई, वो एक बेसिक सी बात याद रखिए कि गाँव के अंदर 3 स्तर हैं गाँव के शासन को बांटने, ठीक है। जैसे हमारे पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत के अंदर संसद होती है, उसके बाद हर राज्य के पास लोकसभा होती है, ठीक है, और लोकसभा के अंदर दो होते हैं तो आपका विधानसभा होता है, लोकसभा के अंदर विधानमंडल होता है, विधानमंडल के अंदर विधानसभा विधान परिषद होता है, और केंद्र के पास राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। ऐसी गाँव के स्तर की अगर आप बात करोगे तो गाँव में 3 स्तर होते हैं, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल की बात होती है, उसके ऊपर परिषद यानी कि जिला पंचायत की बात होती है। सर इतना ही काम नहीं होता है, हमारे भारत में पंचायत के अंदर
केंद्रीय लेवल पे और राज्य लेवल पे पंचायत मंत्री भी होते हैं। अभी हमारे भारत के अंदर पंचायती राज मंत्री जी का नाम मैं बता सकता कैसा नाम है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह ये हमारे पंचायती राज्य मंत्री पंचायती केंद्रीय लेवल पे ना। हाँ ये सेंट्रल लेवल पे केंद्रीय लेवल पे। अब राज्य के लेवल पे बात करते कन्हैया कुमार पर आया था चुनाव में तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं उसके मंत्री भी उनका नाम है चौधरी भूपेंद्र सिंह। और उनका काम क्या होता है वो यही देखते हैं कि गांव के जो लीडर्स कर रहे हैं ये अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई भी संशोधन होना कोई भी प्राथमिकता या किसी चीज़ को हटाना है जोड़ना है तो ये सारे काम मंत्री के पास होते हैं। ठीक है और केंद्र में जो सारा काम देखते हैं जिनके बारे में मैंने बताया श्री गिरिराज सिंह उनको एक और मंत्री भी साथ में दिया हुआ होता है उनकी कैबिनेट के अंदर डिप्टी मिनिस्टर का रोल निभाते हैं उनका नाम है कपिल मोहतवारी पाटिल कपिल मोहतवारी पाटिल। तो ये तीनों आप ध्यान रखना कभी कभी इस पर डिस्कशन हो जाता है कि पंचायती राज के अंदर केंद्र में मंत्री कौन है राज्य में मंत्री। ठीक है हर राज्य के पास अपना और कुछ पंचायत मंत्री होता है जहाँ पर पंचायत के लिए लागू है। गुजरात जो है 1993 में सबसे एक खराब माना जाता था शहर जिसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में चूड़ा करकट सब। ठीक है तो आने वाले समय में क्या होगा कि वहाँ के अंदर जो नगर पालिका थी उसने इतना अच्छा काम करा कि आज गुजरात टॉप बन जाना चाहता है जबकि साफ सफाई के मामले में नंबर एक पे इंदौर लेकिन सूरत में अपने अंदर बहुत बड़े दूसरे नंबर पे सूरत आता है। क्यों बताया कि नगर पालिका क्या होती है क्योंकि अगला जो हमारा पार्ट है वो थोड़ा सा नगर पालिका यानी शहरी शासन का चित्रण आपके सामने। अब अगला पार्ट जो होता है उसके बारे में सुनिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर की बात कीजिए इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है आपको पीडीएफ में करनी है। आप सर एक वोट 500 बिकता है प्रधानी में। देखिए ये सवाल आप पूछिए कि एक वोट कितने में बिकता है क्या होता है इसका यहाँ डिस्कशन करने का कोई बैठ नहीं करता। अगर आप लोग सीधे यूपीएससी एस्पिरेंट है तो कंसेप्ट पे गौर करिए। हाँ ये चीजें करप्शन की उसके लिए हम लोग इकबाल को अलग से कभी बार को आपको सर इसलिए ना लोकतंत्र विकेंद्रीकरण में जो ग्राम सभा का सदस्य है उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आप भ्रष्ट प्रधान चुन रहे हैं तो उसे कॉन्सिक्वेंस आपको मिलेंगे आपने चुना ही गलत व्यक्ति है तो फिर आपको आगे इसके लिए हटाने का प्रावधान है जो हम करते हैं लेकिन मजबूरी है कि व्यक्ति कैसा भी हो जब तक उसको पावर नहीं दे सकते हम ये नहीं जान सकते कि क्या करेगा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सर वो थिंकर का नाम क्या बोला था आपने इसका जो कोर्ट बोला था आपने वो थिंकर का नाम क्या था कोर्ट मैंने बोला सरपंच नहीं नहीं अभी बोला था आपने एब्सोल्यूट पावर और अच्छा जॉन एक्टन जॉन एक्टन इसको कोट कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आप जॉन एक्टन ना देखिए कौन है व्हाट द हेल Thank you.
देखो क्या है, नगर प्रशासन, नगर नगर प्रशासन पार्ट जो है वो सवाल के साथ जुड़ा है। अब वो सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप में से कितने लोग जो है वो गली में क्रिकेट खेलते थे? आपसे कोई नहीं खेलता क्रिकेट, कितने लोगों ने खेला है? ऐसी जगह पे जहाँ चारों तरफ मकान हो या फिर स्ट्रीट पे खेला है, जैसे रोड पे अभी भी खेलते हैं सर, खेला है। अब इस किताब के अनुसार एक सवाल निकल के आता है और सवाल का जवाब सभी पूछेंगे। अगर आप कोई भी खेल खेलते वक्त क्रिकेट या फुटबॉल आपने किसी के घर की खिड़की पर वो गेंद मारा तो क्या होता है कि उसकी खिड़की टूट गई, अब वो आपसे पैसे मांगेगा, सब बच्चे उसको जोड़ करके पैसे दे देंगे, ज़्यादातर हालात में जो बच्चे भाग जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर सरकार की जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, मरकरी लगी हुई है, उस पर आपने क्रिकेट की बॉल से हिट किया और वो टूट गई तो उसका पैसा आप किसको देंगे? सवाल क्यों मेरा जायज है कि भाई आपने किसी के घर के दरवाजे की खिड़की तोड़ी तो वो व्यक्ति पैसा मांगने भी आया था और आपको पता भी है कि हमें जाके पैसा देना है, अगर वहाँ आपका ग्राउंड है आप रोज खेलते हैं, लेकिन अगर आपने तो मरकरी फोड़ दी बाहर लगी हुई है या स्ट्रीट लाइट फोड़ दी तो उसका पैसा आप किसको देंगे? और उसका पैसा मांगेगा बहुत बढ़िया, हाँ ये मैंने गलत सवाल हो गया, उसका पैसा किसको दोगे? उस स्कूटी पे डाल दोगे 20 रुपया लगा देना, खेलेंगे कल हम बंद कर लो नहीं कर पाओगे हमारा। तो खैर म्यूनसिपैलिटी इसके लिए देख रेख करती है। अब थोड़ी सी नगर प्रणाली में इतना डीप नहीं, पहले आपको मैं जस्ट ये ले रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि आज आप हमारे जैसे ग्राम प्रधान सदस्य BCA सब में अटका हुआ ले रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया उसको दोबारा भी समझाने की इच्छा हो, ठीक है। अब देखो सिटी यानी कि अगर शहर की बात करें तो शहर में सब लोग कितने लोग रहते थे? शहर के मैंने आप उठाए थे, शहर के अंदर आपका अपना एक वार्ड होगा, कभी आप अपने घर के बाहर एड्रेस देखिएगा, जो लोग शहर में रहते हैं उनके घर के बाहर लिखा होगा मकान संख्या 14 वार्ड खुलारा और वार्ड का संख्या लिखी हुई, ठीक है। तो वार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने गांव के स्तर पर देखा था कि पूरे गांव को हमने छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया था, ऐसे ही कर लो कि आपका शहर मिलीभीत है और शहर मिलीभीत को भी हमने छोटे छोटे वार्ड में डिवाइड कर दिया। और इन वार्ड मेंबर का भी वही काम होता है कि अपने वार्ड का डेवलपमेंट करना, ये चीज समझना है। प्रभात जायसवाल में कितने लोगों ने सुना, बिमला जायसवाल जी दोनों को सुना है, दोनों का सुना। बिमला जायसवाल जी कौन है? उनकी धर्मपत्नी है और हमारे यहाँ की चेयरमैन है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक अखबार ने लिखा था प्रभात जायसवाल जी की माता इस बार बनी नगर पालिका एक अखबार ने जब वो जीती थी तो ये खबर निकाली थी, तो उस दिन मुझे मेरा इंटरनेट से विश्वास टूट गया था, मैंने सोच लिया कि पत्रकारिता जो है वो धैर्य एवं पुष्टि करके करना चाहिए, ठीक है। और आप लोग देखते होंगे न्यूज में कई बार ऐसी ऐसी खबर आ जाती है, कई ऐसे सेलिब्रिटीज को मार दिया जाता है जो खुद इस बात की पुष्टि करने आते हैं, तो क्या होता है कि खबरों का अध्ययन जो है वो ध्यान से देखो। अब आप शहरी प्रशासन इसमें भी तीन स्तरीय चीजें होती हैं, सबसे निचले स्तर पे आ जाता है नगर पंचायत, इसमें भी इतना डीप नहीं जाएंगे, इससे टीम का विभाजन सुन लीजिए, मैं इसको अगले लेक्चर में कर देता हूँ, क्योंकि जितना कम्प्लीट रहेगा ऐसे डिस्कशन इस पर भी होगा, अभी सिर्फ आपको रूपरेखा दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान। फिर उसके अलावा आज एन सी आर टी खत्म करनी है तो हम अगले चैप्टर पे आएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें बात होगी कि कितने मजदूर को कितना पैसा देना चाहेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आप बस, हाँ आज क्लास 6 की एन सी आर टी आपकी ओवर हो चुकी होती, 3 दिन का मैं लेकर चल रहा था इसको, उससे ज़्यादा इसमें पढ़ने लायक है भी नहीं, लेकिन आप लोग इस पूरी पुस्तक को अभी जिससे भी आपकी छुट्टी पड़ेगी, आपका हॉलीडे होगा, आप उसको सुबह से लेकर शाम तक रिविजन जरूर, इसकी कसम दिलवा के भेजूंगा, ठीक है सर। हम बेरेट पे हाथ रख के कसम खाते हैं। अच्छा हम झाड़ से कसम खाते हैं, हम झाड़ से कसम खाते हैं। देखो भाई कुछ गांव जो होते हैं जैसे आप लोग अपने आसपास में जहानाबाद सुना है किसी ने, न्यू या हुसैनपुर, हाफिजाबाद,
नाम आने के साथ में सुना है। अच्छा ये नहीं पता था पीलीभीत का प्राचीन। चलो कोई बात नहीं, आप पीलीभीत का पुराना नाम है ये आप यहाँ पे ठीक है। ये कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन 1999 या शायद 2000 में स्वाति पाठक नाम की लड़की ने इंटरव्यू दिया था, तो उससे पूछा था कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैं हाफिजाबाद से, मतलब उनसे कहा था कि आपके शहर का पुराना नाम क्या है। उनसे इंटरव्यू में जनरली पूछ लिया था, वो लोग पूछते हैं कि आप किस शहर से आए हैं, वहाँ की क्या विशेषता होती है, आपके इंट्रोडक्शन होता है, तो आप बता सकते हैं बांसुरी नगरी से आए हैं, यहाँ पर बांसुरी देखते हुए हमने देखा है, बजाते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो देखो अब जो गाँव होते हैं और जब वो धीरे धीरे करके विकास करने लगते हैं, जब आप उसको गांव भी नहीं कह सकते और शहर भी नहीं कह सकते, तब ऐसे गांव को या ऐसे मध्य की चीजों को हम कहते हैं नगर नगर पंचायत। अब जो लोग नगर पंचायत हैं वो आसानी से बता देंगे, उनके शहर के अंदर प्रधान नहीं होगा, उनके शहर के अंदर होगा सॉरी चेयर मेन अध्यक्ष चेयर अध्यक्ष क्या है चेयरमैन है नहीं है जहानाबाद में क्या है अध्यक्ष हरियाणा में प्रधान या शहर का जो शासन है पूरी तरीके से आबादी को बेस्ड होता है। इस
जिसमें आप म्यूनिसिपल काउंसिल यानी नगर निगम मुंशियारों को कहते हैं, जो बाजू में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की आबादी पर होते हैं, 10 लाख की आबादी से ऊपर जाते हैं, लेकिन अभी 1 मिलियन वाला जो प्रिंसिपल है वो हमने चेंज नहीं करा है। संविधान उसको 2031 तक के लिए सुरक्षित रखता है कि जब हमारी आखिरी जनगणना हुई थी हम उसके अनुसार चला गए। अब जब हमारी अगली जनगणना जो कि कोविड की वजह से इस बार टल गई, जब होगी तो कई सारे शहर की जो पॉपुलेशन यानी आबादी है उसके हिसाब से नगर निगम एवं ये म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका बन गई। और नगर पंचायत कौन से क्षेत्र होते हैं जो गांव थोड़ा विकास कर जाते हैं, ना तो वो शहर रह जाते हैं ना तो गांव रह जाते हैं, अब तो गांव से बेहतर हो जाते हैं तो वो नगर पंचायत में आ जाते हैं। उसकी पहचान क्या है? ऐसे गांव जैसे आप अगर चले जाएंगे बरखेड़ा में तो अपना वो शहर रह गया, गाँव रह गया, बरखेड़ा का अपना क्षेत्र है। और अगर आप किसी को भी देखेंगे तो शहर की तरह नगर पालिका उसके पास नगर पालिका बढ़ती, हमारा शहर नगर पालिका में आ जाता है, बड़े शहर कौन से आ जाते हैं। इन सभी के अंदर अब जैसे ये चेयरमैन होता है, चेयरमैन के पास इसके अंदर सदस्य भी होते हैं, सदस्य का दो व्यक्तियों का ये जो पूरी प्रक्रिया है चाहे शहर की हो चाहे ग्राम की हो, इसमें दो व्यक्ति तो महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे प्रधान और सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख और सदस्य थे, जिला पंचायत अध्यक्ष था और उसके सदस्य थे, ऐसे अगर शहर की बात करें तो नगर पंचायत के अंदर भी आ जाते हैं चेयरमैन और सदस्य आ जाते हैं, नगर पालिका के अंदर हमारे आ जाते हैं नगर पालिका अध्यक्ष और सदस्य आ जाते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर मेयर आ जाता है और छोटे स्तर के लोग आ जाते हैं। मेयर को बहुत ही होता है, मेयर को लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं और इसका कार्यकाल पहले 1 वर्ष के लिए हुआ था, 2.5 वर्ष के लिए कर दिया गया, अब इसके कार्यकाल को बढ़ाने की और मांग है। मेयर को बहुत ही होती है, मेयर का आप ये समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बराबर होता है, इसलिए मेयर पद पर पहुँचने के लिए जो व्यक्ति होता है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि हर तरीके से हर स्तर का काम करने की कोशिश करता है। तो ये था शहर का काम। अब आप अपने पीलीभीत के हिसाब से समझ गए होंगे कि पीलीभीत में म्यूनसिपैलिटी है, काम सबका यही रहता है कूड़ा करकर देखना ये सब करना, ये लोग गाँव के विभाजन के लिए पानी का कूड़े का अलग अलग बना लेते हैं। आपने कभी भी देखा होगा कूड़े वाली गाड़ी गाड़ी आती है उठाना तो उसमें क्या लिखा होगा, पीलीभीत नगर पालिका लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। इनको नगर पालिका भी कहा जाता है कई जगह, इसको नगर पालिका परिषद भी कहा जाता है, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन फंक्शनिंग ओवर ऑल सभी की एक ही जैसी। तो ये था शहर के अंदर सोसाइटी, ये संविधान के 74वें संशोधन में आया था। कंफ्यूज ना हो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे हिंदी में पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये ले जाते हैं अभ्यास, अभी आप लिख लेना समझ गए कोई दिक्कत होती है, चार्ट आगे बनाना चाहे बना लेना, लेकिन आप इसको सुनो हम पीडीएफ चार्ट बना के आप लोगों को देते हैं, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, देखो अगला पार्ट आ जाता है गांव के अंदर जाके आप टाइम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज ही बता के अंदर मैं बता दे रहा हूँ 5 मिनट का टॉपिक, अगर आप लोग एग्जॉस्ट ना हो सुनने की क्षमता बाकी नहीं है तो यार 5 मिनट के क्षमा शाम थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि एक्चुअली दीदी एक तो गर्मी का मौसम है, दो दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें बहुत डीप जाना ही नहीं होता और दीदी को समझना थोड़ा गर्मी के बजाय इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब आ जाए, अब यहाँ पर बात होती है आजीविका, कोई बता सकता है आजीविका क्या है, बताओ क्या है आजीविका, कह सकते हो जीविका क्या है, आजीविका का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। हालांकि अब शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ चुका है लेकिन हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात दूसरे स्तर पर करते हैं, शिक्षित तो तभी व्यक्ति होगा जब पेट में खाना होगा। आपने स्कीम देखी है मिड डे मील जो योजना है जो भारत सरकार प्राथमिक विद्यालयों में चलाती है, वो तो क्यों चलाती है, बच्चों को खाना क्यों देती है, सरकार का मन चाहे तो बच्चों को बिल्कुल भी खाना ना दे, उसको ये पता है कि यहाँ बहुत से बच्चों के माँ बाप खेत पे काम करने जाते हैं, उनके पास 2 वक्त का खाना जुटाने के पैसे नहीं होते, इसलिए सरकार ने सोचा अगर बच्चे के खाने पीने का इंतजाम विद्यालय के अंदर कर देते हैं तो क्या होगा, उससे उसके माँ बाप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे, बच्चे को खाने पिलाने का भार कम होगा और बच्चा इसी बहाने कक्षा में पढ़ लिया है। तो मिड डे मील जो है वो हमारी आजीविका के सिद्धांत पे रोटी की बात है, ठीक है। और आजीविका का मतलब होता है रोटी कपड़ा। इस पार्ट में दिखाया गया जो आपने पढ़ेंगे आजीविका, इसमें एक महिला है तुलसी, कौन है तुलसी, हाँ उसका नाम याद ना भी रखे चलेगा, UPSC को कहीं बताना चाहता है। तुलसी जो होती है वो ये बताती है कि वो पैटी यानी कि धान के खेत में काम करती है और उसकी शादी हो चुकी है, उसका पति भी एक मजदूर है और वह भी मजदूरी करती है, उसका काम जो मुख्यतः चलता है वो जून माह से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक चलता है, उस बीच में वो बताती है कि हम लोग खेत में काम करते हैं 8:30 बजे से दोपहर के 4:30 बजे तक, और इस बीच में बहुत सारा काम करने के बाद क्योंकि आपको पता है कि अगर धान जो होते हैं वो खेत में काम होता है तो उसमें से आपको चुन के कोई चीज़ प्लांट करनी होती है, तो वो बताती है कि इतनी देर चुनने की स्थिति
70 रुपए आते हैं जाने के चौके में, मात्र 40 रुपए, मात्र 40 रुपए, ठीक है। फिर वो बताती है 40 रुपए लेकर के मैं घर जाती हूँ, उसके बाद 40 रुपए में ले जाने के बाद जो भी अपने घर के अंदर छोटा मोटा सामान आता है जरूरत का उसको लेती है, कुछ पैसे बचाती है, कुछ पैसे जोड़ती है, उसका पति कुछ पैसे कमा के लाता है, और क्या होता है इस तरीके से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। फिर ये बताया जाता है कि जिनके खेत में वो काम कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे और भी कार्य होते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन, वो ये सारे कामों को एक जगह संचालित करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहने का इस पार्ट का अर्थ क्या है कि मानव की कंडीशन 40 रुपया 8 घंटे लायक हो सकती है? आप में से कौन 40 रुपये का 8 घंटे काम करने के लिए करेगा? तो 40 रुपये में जी नहीं नहीं किस टाइम पे कर रहा है ये मैटर करता है नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके कहने का ये कि जिस समय को भी लगाओ उस समय पे 40 रुपये होंगे। ये घटना अभी 2016 से अगर ये बात 1980 की होती तब आपकी बात से, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 120 रुपया मिलता है 8 घंटे का, अब आप बताइए, आप बताइए 120 रुपया पर्याप्त है? इस चीज के लिए जो आप कहना चाह रहे हैं 250 रुपए जो मनरेगा द्वारा तय करे गए उसकी आप बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आपके कहने का क्या है कि 250 रुपए, मैं समझा नहीं, दोबारा आपकी बात रिपीट करें। आप अभी भी मिलते हैं तो फिर आपका जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आपने स्वयं ही दे दिया कि 40 रुपये उस जमाने में। अच्छा कोई बात, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब आप समझिए, ये पार्ट छोटा है, यहाँ सरकार ये बताना चाहती है कि अनुच्छेद 23 का भंग है और साथ ही साथ सरकार का एक और काम भी है। आप ये बताइए कि पहले बता दें, चलो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टाइम इसको आजीविका को चलो यहाँ पर सरकार के कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 39 बस आपको भेट लीजिए तो खाली आजीविका जो आपको फ्लेक्सिबल मिलता है। कुछ लोगों का सवाल था ना कि सर जो है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं संविधान नहीं पढ़ा रहे हैं, आओ संविधान पढ़ो, संविधान उसको लगता होगा क्योंकि एनसीईआरटी जो यूपीएससी लेवल के लिए तैयारी कर रहा है वो एनसीईआरटी की विशेषता जानता है, बच्चे दूसरे पढ़ के आए हैं दूसरे से दस हम कौन है भाई कुछ भी नहीं है अनुच्छेद 39 कौन महात्मा है कौन महात्मा है आर्टिकल 39 लिख लीजिए बस आर्टिकल डाल दीजिए ठीक है। आर्टिकल 39 यही बात बताता है कि ये सरकार का दायित्व है कि वो औरतों को या पुरुष को दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान करे अगर उनको इक्वल पे प्रदान करे। इक्वल पे का मतलब होता है कि दोनों को सामान्य वेतन प्रदान करे और वेतन को लेकर के जैसे फैक्ट्री अधिनियम आया है या वर्कमैन यानी कर्मचारी कार्य अधिनियम आए हैं वो सारे अधिनियम अनुच्छेद 39 के देना 29 यानी 39 के देना।